तो फिर इससे शादी कर लो ना, शादी क्यों नहीं कर रही इससे? शादी मेरे घर वाले नहीं मान रहे ना शादी के लिए। घर वाले बोले किसी कुत्ते से कर ले शादी, मगर इससे नहीं करने देंगे। काफी सारे टिकटॉकर्स को ना बवासीर का कैंसर हुआ, कैंसर होके वो ठीक भी हो गए, ठीक होके वो चले भी गए, पर ये वाला जो कैंसर है ये तो कुछ मजीद ही ना बढ़ता ही जा रहा है। और पिछले दिनों ना अहमद खान के चैनल पे ना इसका एक इंटरव्यू आया था, जो इंटरव्यू देखने के बाद ना मेरा बड़ा ही दिल किया कि यार अब ना इस पे एक वीडियो बनती है। मैंने वो थोड़ा सा इंटरव्यू देखा था, मेरा दिल खराब हो गया था। तो मैंने सोचा कि मेरा अकेले का क्यों दिल खराब हो, आपका भी करता हूं। आहा, बहुत चंगा ना मैं। नाक पे हाथ और आंखों पे पट्टी बांध लो, हमने इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो कपल है वो वर्ल्ड फेमस कपल है, द वन एंड ओनली 3-2-1 पहले ये जो बंदा था ना 3-2-1 पिल्ले, ये अपने मतलब पिल्ले की वजह से मशहूर हुआ था। बाद में अब जब ये हाइप दोबारा से पकड़ रहा है वो इस लड़की की वजह से। सारे लोगों को ना लड़के को साइड पे करके ना लड़की से सवाल है कि बहन क्या मजबूरी थी? सहर मुझे बताएं कि आप दोनों की लड़ाई क्यों चल रही है फेसबुक पे इतनी ज्यादा? मैं क्लिप्स देख रहा हूँ भाई। इसने मुझे बोला था प्रपोज से पहले मैं तुम्हें आसमान से चांद तारे तोड़ के लाके दूंगा। अरे मेरा बच्चा, चांद तारे? ओ बहन तू उसे कौन सा काम कही जा रही है? उसे तू क्या कहीं से कोई अमरूद चोरी करके तेरे लिए ले आए? लेकिन नहीं, किसी कुत्ते के मुंह से हड्डी छीन के ले आए? लेकिन नहीं, शिखर दोपहर को तुम्हारे लिए कोई समोसे पकौड़े कोई तलिया नान ले आए? लेकिन नहीं, तूने भी तो सीधा ही चांद तारों की डिमांड कर दी ना। इस तरह के बंदे को घर में से दूसरी दफा सालन नहीं मिलता। वो चांद तारे के तुले आवे। तुम खर्चा नहीं करते इस पे? खर्चा इतना करता हूँ यकीन कर, इस पे खर्चा कर करके यकीन कर कंगाल हो गया हूँ। मतलब क्या बताऊँ? अच्छा, ओए होए होए, कंगाल हो गया? पहले तो जितना तेरी मिलना चलती है ना नवाज शरीफ तेरा नाम सी। इस तरह के बंदों को ना पूरे मोहल्ले में कोई मुंह नहीं लगाता होता, मुर्गी के पंजों के साथ यसु पंजों खेल रहे होते हैं। जब इसने मुझे प्रपोज किया था ना तो उसमें बड़ा करंट था यार। करंट था उस, जब इसको मैंने प्रपोज किया था उस जमाने में मेरा करंट बहुत था। ओए होए होए, करंट था नहीं, वैसे तो लोगों का शॉर्ट छूट पै गई होनी है, किसी खम्बे के साथ लग के चिमड़ गया होगा। करंट था त्यू बड़ा के तो स्टिंग की बोतल पी ली थी ना। साडे घर च करंट नहीं आता, वो अपने अंदर ले ही फिरदा। कहां मिले पहले आप दोनों? सबसे पहले कहाँ मिले यार? कहाँ मिले, ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे मिले होंगे? कूड़ा लेने आया होगा उनके घर से, वो उसमें पिघल गई। पहले मेरे ख्याल से ना ये लड़की भी ना अंधी होती थी, बाद में ऐसे कोई ना अल्लाह ने शिफा दे दी है और बाद में कहती है कि यार चलो जो होना सी हो गया, शायद इसी की वजह से ठीक हुई है वो, इसलिए उसके साथ रहना शुरू हो गई है। ये रिलेशनशिप में आने से पहले इतना मशहूर था या आपके नसीब ने इसको इतना मशहूर किया है? मेरे नसीब ने करा है। देखो भाई वो भी सोच रहा है कि यार ऐसा तो कभी मेरी माँ ने नहीं बोला। इस तरह का बंदा जब पैदा होता है ना तो दाई इसको हाथ नहीं लगाती, दाई पलास के जरिए बच्चा पकड़ के पकड़ा देती है कि ये देख लो पता नहीं क्या हुआ है। इससे इतनी शिकायत है तो आप इसको छोड़ दो। नहीं इसको छोड़ कैसे सकती हूँ, तो मेरी जान है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मेरे लिए शाहरुख खान का भी रिश्ता आ जाएगा ना मैं उसको भी ठुकरा दूंगी इसके लिए। ओ भाई साहब, शाहरुख खान क्राइंग इन द कॉर्नर। ये मेरे ख्याल से ना इसकी आंखें ठीक तो हो तो गई है पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, वो इसे अभी भी धुंधला दिखता है, पूरी तरह से अभी भी इसने देखा नहीं है। ये जब पैदा हुआ था इसकी अम्मी ने भी इसकी ना शापर रख के चुमी ली थी। जादू हुआ है आपके किसी ने, कोई दुश्मन है आपका? नहीं मतलब इतना प्यार क्या देख के प्यार हुआ है? हाँ ना कुछ ऐसा ही प्यार नहीं कर गई, इतना प्यार तो उसके खानदान में से किसी ने उसके साथ नहीं किया। कोई एक ऐसी चीज बताएं कि आप बोले मुझे इसकी ये अदा बहुत पसंद आई है? अबे देखा नहीं है तभी तो हो गया है, अगर देख लेती तो वो अपने आप लानत पाती के फिड़े मुंह मेरी चॉइस थे। क्या देख के प्यार हुआ है, कहीं आपको इसकी शोहरत से प्यार तो नहीं है? मुझे इसका वो पसंद आया, ये बोलता है ना 3-2-1 पिल्ले, वो पसंद आया। अच्छा 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 सही है, ठीक है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। 3-2-1 पिले आपको पसंद आया? वाह यार तुझे वो पसंद ही आ गए, हालांकि वो देखने के बाद आपको उल्टी आनी चाहिए थी, आपको वो पसंद ही आ गए। तो फिर इससे शादी कर लो ना, शादी क्यों नहीं कर रही इससे? शादी मेरे घर वाले नहीं मान रहे ना शादी के लिए। घर वाले बोले किसी कुत्ते से कर ले शादी, मगर इससे नहीं करने देंगे। इंसान की बच्ची बन, अभी मैं तेरे को बताऊं, भगा के ले जाऊंगा घर वाले, घर वालों को बोल वंस मोर। तो फिर इससे शादी कर लो ना, शादी क्यों नहीं कर रही इससे? शादी मेरे घर वाले नहीं मान रहे ना शादी के लिए। घर वाले बोले किसी कुत्ते से कर ले शादी, मगर इससे नहीं करने देंगे। इंसान की और अगर घर वाले ना माने, अल्लाह ना करे, हाँ तो क्या आप भगा के ले जाओगे? मैं इसको भगा के ले जाऊंगा घोड़े पे। घोड़े पे? घोड़े पे।
गधे पे ले जाना, खुद ही चले जा। ओए वो भगा के भी यार क्या ही ले जाएगा, इस तरह का बंदा अगर अकेला भी दौड़ लगाए ना फिर भी तीसरे नंबर पे आता है, वो क्या है उसे भगा के लेके जाएगा। आप दोनों की शादी हो, प्यारे प्यारे बच्चे पैदा हो, बच्चों की तरबियत, बच्चों की तरबियत तो मैं ऐसे करूंगी कि मेरे बच्चे इसको मामू बोलेंगे। मामू क्यों बोलेंगे? मामू नहीं बोलेंगे। क्या कनेक्शन कर रहे हो आप यार, हैवी यार, हैवी टकरी है उसे। मामू तो लड़की का भाई होता है, ये तो आपकी जान है। अच्छा भाई को बोलते, मुझे नहीं पता। ये तो आपकी जान है, वाह, ये तो आपकी जिंदगी है, लानत है ऐसी जिंदगी पे। भाई साहब बात है तो रुसवाई की पर बात तो सच है। तुम लोगों की शादी हो गई, मुंह दिखाई में क्या दोगे, क्या मांगोगी मुंह दिखाई में? मुंह दिखाई में मैं से 5 लाख मांगूंगी। ओ भाई कोई सुखिया रोटियां मांग, कोई छानपुरा मांग, कोई ले लें दिया जूतियां मांग ले, सीधा 5 लाख ही। एक काम कर भाई, मुंह रहने ही दे फिर। 5 लाख रुपए बहुत है भाई, मुंह रहने ही। बाकी बात सही बात है यार। प्रपोज पहले किसने किया, आपने किया कि आपने किया? अवेज ने। तुमने प्रपोज किया? अवेज ने किया। चलो मैंने किया बस। शर्म नहीं आई है ये गल कहते हुए? ऐवें अगले दे दिल खराब हो जाए फायदा। यही बंदा सोच ले आगे से उसने ऐसा कोई रैप टा कराना था इसके, उसने भी कोई बिना सोचे समझे प्रपोज कर दिया, चाहे वो प्रपोज सुनने के बाद इसकी ये भैड़ी ही धौन ला दें। आपका ये पहला लव है? हां मेरा पहला लव है। पहले और आखिरी में दिल ही कितना खराब हुआ है, उसने कहा कि यार कुत्ता काम है, मैंने करना ही नहीं आज के बाद। जब तुमने शहर को पहली दफा देखा तो तेरे दिल में गिटार बजी थी? मेरा दिल वो चाहे कोई दिल की दर्द असली वाली महसूस होती हो, और इसे दिल के गिटार लग रहे थे। जा कोई अपना इलाज लूज करवा, आओ बाद चो दिल का गिटार ही बंद हो जाओ। जब आपने इसको देखा तो आपको क्या फीलिंग आई थी? मैं तो इसको पहली बार जब मैंने देखा था ना, मैं तब पागल हो गई थी। अरे भाई मेरी चीख निकल गई थी, है ना? आप तो फिर पागल हो गए। पागल हो गई मतलब प्यार में पागल हो गई, तुम गलत तरीके से समझ रहे हो ना यार। प्यार में पागल? हाँ। वैसे वो अपनी बात को कवर कर गई है, हो वो वैसे पागल ही गई होगी। जब दोबारा से उसने नजर बहाल हुई होगी ना, तब देखा, वो भी कहती होगी यार बुद्ध तो उसे देखना चाह, अब देखा नहीं जा रहा। एक बात पूछो? हाँ पूछो। कभी ना छोड़ने वाला वादा करोगे? बाकी सारा कुछ छोड़ो, आपने ये सोच के ना अपने दिल को तसल्ली दो कि इस लड़की की ना क्या ही मजबूरी होगी, ये कुछ कहना पड़ रहा है उसे। कितना टाइम शादी में? शादी में? एक तो बच्चों के बात करोगे, कब करोगे? इंशाल्लाह नहीं, मैं सोच रहा हूँ बच्चे पहले ना, शादी बाद में करूँ। ओ भाई क्या कौन सा काम कर रहा है, कोई गलत ही सेटिंग करी जा रहा है, बच्चे पहले शादी बाद में, इन्हें कोट खानी है पक्की गल। आप तुम शादी करो इंशाल्लाह, मिसाल कायम करो इंशाल्लाह, मोहब्बत की मिसाल कायम करो, और पिल्ले आपका मुजस्मा बने, पत्थर मारे लोग। हाँ इसका मुजस्मा बनाओ, लोग यहाँ पे ना सात पत्थर मार के हज कर ले, वो वाला मुजस्मा बनाओ। हाँ मैं सजनों से मिलियो, मित्रों से लियो, ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल खराब हुआ कि नहीं? और इस तरह के कपल, इस तरह के कपल गोल किन किन के हैं नीचे जरा कमेंट करके बताओ, और ये भी लास्ट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना, कमेंट करके लास्ट में बताना, अपने दोस्तों यार मोहब्बत से अलगसा लास्ट में शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मजे मजे की वीडियो यहाँ पे आती रहती है। शुक्रिया मोहब्बत को, चाहते आपका शुक्रिया, पैर का इजार का इकरार का आपका आपके घर बार का। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में।